गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ लर्निंग वी आर डूइंग चैप्टर नंबर वन इन बिजनेस स्टडीज क्लास लेवन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड परप ऑफ बिजनेस ऑल राइट सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस यर बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क थोड़ा थोड़ा आपको समझा हुआ टॉपिक लग रहा है डे टू डे लाइफ में भी आपने सुना है बिजनेस रिस्क क्या होते हैं ठीक है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज बिजनेस रिस्क के बारे में ठीक है तो बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिकुएट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इसका मतलब होता है बिजनेस रिस्क होता है कि हमारा हमेशा बिजनेस जब हम करते हैं तो वहां पे चांसेस होता है लॉसेस का ठीक है या फिर हम जितना एक्सपेक्ट करके रखे हैं उससे कम प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है देखिए दो चांसेस होता है बिजनेस रिस्क में एक तो लॉस हो जाना एक तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब हमने जितना भी एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है उससे कम प्रॉफिट होना ठीक है बोथ दिस थिंग्स आर ये ये चीजें क्यों होती है ड्यू टू अनसर्टन सर्कमटांसेस कुछ कुछ हमारे सर्कमटांसेस uh, ऐसे हो जाते हैं जो कि हम सोचते भी नहीं है कि हमारा ऐसा भी हो जाएगा ठीक है तो जो अन अवॉयडेबल भी होते हैं मतलब उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि हम चलो ये सर्कम अभी हमने सोचा भी नहीं है अचानक से सडनली वो हमारे सामने आकर हो गए हैं तो उसकी उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है या तो लॉस हो रहा है या तो इनएडिक्युएट प्रॉफिट मिल रहा है ओके सो so, इसलिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिकुएट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कुछ ऐसा इवेंट्स हो गया okay? so, control, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते so, अब मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वो सुनते हैं बिजनेस रिस्क मीन्स अचानसेस ऑफ इनकमिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड सिंपल सा मतलब क्या है बिजनेस रिस्क का लॉसेस हो जाना या फिर हमने जितना सोच रखा है उससे कम प्रॉफिट होना दोनों ही केसेस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क ओके अब हम लोग इसके नेचर पढ़ते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ठीक है क्यों होता है हमारा बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ ऐसे सर्कमटांसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं कि वो फ्यूचर में होने वाला है बट सडनली वो क्या हो जाता है हो जाता है लाइक चेंज इन डिमांड चेंज इन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ठीक है इन सर्कमटांसेस की वजह से इन अनसर्टेनिटीज की वजह से अगर बिजनेस रिस्क होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ये एक नेचर है कि बिजनेस रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है ठीक है नेक्स्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस ठीक है आपने जब पढ़ा था बिजनेस उसमें एक फीचर पढ़ा था बिजनेस का दैट इज रिस्क मतलब हर एक बिजनेस में ठीक है रिस्क का होना होना है ही एसेंशियल है दैट इसीलिए यहां पे कहा है रिस्क बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस आप किसी भी तरह का बिजनेस करो बड़ा करो छोटा करो बट देयर इज अ रिस्क इन इट हर एक बिजनेस के लिए वहां पे आ, रिस्क है ओके okay? और रिस्क के साथ साथ ठीक है इसलिए हम लोग बोलते हैं रिस्क क्या है बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक नेचर है ठीक है नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो अपना रिस्क को अवॉइड करे ठीक है उसको रिस्क को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी रिस्क कैन बी रिड्यूस बट के नॉट बी एलिमिनेटेड रिस्क को आप कुछ कुछ टेक्निक्स लगा करके ठीक है कम कर सकते हो रिड्यूस कर सकते हो बट अपने बिजनेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते ओके डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस जो बिजनेस रिस्क है वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस में कहीं कहीं पे डिग्री काफी ज्यादा होती है कोई कोई बिजनेस में कम होती है और ये जो डिग्री है वो डिपेंड करता है कि कौन से नेचर का बिजनेस है और कौन से साइज का बिजनेस है ओके सो द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस ठीक है ये बिजनेस के टाइप में डिपेंड करती है कि वहां पर डिग्री कितना है रिस्क का ज्यादा है या फिर कम है ठीक है बिजनेस मान लो को, कोई बिजनेस है जो फैशन से डील करती है दैट मीन क्लोथ से तो अगर जैसे ही आपको पता है हमारे कंट्री में ऐसा होता है जैसे ही कोई न्यू मूवी आई ट्रेंड वैसे ही चलती जाती है ठीक है पुराने कपड़े को लोग खरीदना नहीं चाहते लोग चाहते हैं कि ट्रेंडी बने न्यू फैशन के जो अभी आई हुई है वैसे अपने आप आपको ड्रेसअप करें तो क्या हो रहा है वहां पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क है आप बोल सकते हो क्योंकि हर एक मूवी तो आती रहती है हर एक फ्राइडे एक न्यू मूवी आती है और न्यू मूवी के साथ न्यू फैशन भी लेकर के आती है तो आप क्या हो जाते हैं आपका जो वहाँ पे अगर जो जो भी फैशन से डील कर रहे हैं कुछ ऐसा लाइक क्लोथ्स लाइक ऑर्नामेंट्स ठीक है तो कुछ लोग ऐसे बिजनेस से कर रहे हैं तो उनका क्या हो जाता है तुरंत तुरंत लॉस होने की चांसेस है तो वहां पे बिजनेस रिस्क काफी हाई है तो कहने का मतलब ये है कि हर एक बिजनेस में रिस्क तो है बट डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप में बिजनेस में हैं अगर आपका बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो रिस्क भी बड़ा होगा छोटा है तो रिस्क छोटा होगा ठीक है एग्जाम्पल एक फुचका का ठेला वाला का मान लो तो उसका काफी कम नुकसान होता है बट अगर आप अभी बिग बाज़ार को ले लो तो बिग बाज़ार क्या हो गई है आपको पता है बिग बाज़ार डूब गई है वो अपने आप को रिलायंस फेस्ट के साथ बेच दी ठीक है तो वहां पे क्या है उनका बड़ा बिजनेस था उनका स्केल काफी हाई था तो वहां पर रिस्क काफी था वो अभी जो आर्थिक मंदी आई हमारे कंट्री में ड्यू टू तो कोरोना वायरस उसको झेल नहीं पाई ओके देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क प्रॉफिट क्या है रिवॉर्ड है फॉर बियरिंग द रिस्क ठीक है बिजनेस मैन अर्न करती है प्रॉफिट उनका मेन मोटिव है टू अर्न द प्रोफिट ठीक है और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन ठीक है अगर आप रिस्क उठाओगे तभी आपको फायदा मिलेगा और जितना लार्जर द रिस्क मोर इज द गेन मतलब जितना बड़ा रिस्क उठाती हो उतना बड़ा फायदा मिलता है ठीक है तो आप जो बिजनेस में कोई भी बिजनेस मैन अगर रिस्क उठाता है तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलती है प्रॉफिट मिलती है दैट्स फॉर टुडे यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद फ्यू मोर टॉपिक्स एंड कल की वीडियो इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे थैंक यू कीप स्टडिंग स्टे सेफ